हाय गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे से होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है और आप लोग खुद ही वोट किए थे कि अरुणाचल जाने के लिए, हमने दो जगह का वोटिंग लगाया था, एक अरुणाचल का और एक सासाराम का। तो आप लोग चॉइस कीजिए कि भाई हम लोग को अरुणाचल जाना चाहिए। तो आज अपने निर्धारित समय से, जैसा कि अनाउंसमेंट किए थे ऑलरेडी, इंस्टाग्राम पर स्टोरी भी डाल दिए थे कि 31 तारीख को राइड हम लोग का शुरू हो जाएगा, और राइड शुरू हो गया। हम हैं, निर्भय भाई है, शहनवाज भाई है। शहनवाज भाई तो खैर जाएंगे नहीं, वो हम लोग को ड्रॉप करने के लिए आए हैं यहाँ पे और मिलने के लिए, क्योंकि यहाँ से बस 10 किलोमीटर दूरी सर शहनवाज भाई रहते हैं। और सलमान भाई दरभंगा से आए, निर्भय भाई कटिहार से हैं। तो ये मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा राइड है, और जिस राइड पर आज हम लोग जा रहे हैं वो अरुणाचल प्रदेश तवांग है। तवांग, देरा, बुमला, ये सब होते हुए जो है दुनिया का सबसे बड़ा वो टनल जो है, वो दुनिया का सबसे बड़ा टनल हम लोग क्रॉस करके उसके बाद वहाँ पहुँचेंगे। तो अगर आप लोग को यकीन नहीं है कि मेरे साथ कौन सी बाइक है और कौन सी बाइक से जा रहे हैं, तो देख सकते हैं, ये मेरा गाड़ी है, और ये सलमान भाई का है, और ये निर्भय भाई का है, और ये शहनवाज भाई का है। तो शहनवाज भाई तो अभी रिटर्न हो जाएंगे, लेकिन ये तीन हम लोग साथ में जा रहे हैं। मैं यहाँ पे सबसे कमज़ोर मेरा ही गाड़ी है, क्योंकि 150 cc है, ये 450 cc है, या 350 cc है। तो एक हौसला है और एक जज्बा है कि हमको इसको लेके जाना है और एक हिस्ट्री क्रिएट करना है, तो हम इसी से जाएंगे। तो सीन कुछ ऐसा हुआ है कि सलमान भाई जो है हम लोग को टाइम दिए थे, ये फैसला आप लोग को करना है गाइस, ये फैसला आप लोग के ऊपर छोड़ दिए हम। सलमान भाई हम लोग को आज का टाइम दिए थे 1 बजे का, कि 1 बजे पहुँचेंगे, ठीक है, और वो 10 बजे पहुँच गया। 10 बजे से अभी तक हम लोग का इंतज़ार किए हैं सलमान भाई, उसके लिए सलमान भाई दिल से सॉरी। देख लीजिए सलमान भाई का चेहरा जो है थोड़ा सा गुस्सेल हुआ पड़ा है चेहरा सलमान भाई का। तो सलमान भाई से सॉरी तो पहले उसने बोल देंगे, ताकि हम लोग जो लेट है, और इसमें बताना आपको ये है कि 10 बजे आइए पहुँच गए, 1 बजे का टाइम देके 10 बजे पहुँच गए, बताइए इसमें किसकी गलती है? और अगर हम लोग लेट आए तो किसकी गलती है? जस्ट 5 मिनट पहले हम लोग यहाँ पर रुके थे, और यहाँ का वेदर इतना गर्मी था, अभी जस्ट 5 मिनट पहले का बात कर रहे हैं, यहाँ हम लोग पानी पीने के लिए रुके थे, और अभी अचानक से वेदर देखे कितना चेंज हो गया, बादल आ गया और ठंडा ठंडा हवा चल रहा है। तो इतना जल्दी यहाँ वेदर चेंज होता है, और यही रास्ता, इसी रूट से हम लोग अलीपुर द्वार जा रहे हैं, और तुरंत एकदम 5 मिनट में बोलते हैं ना सिचुएशन बदल जाता है। तो गाइस फाइनली हम लोग जो है निकल चुके हैं सिलीगुड़ी से, डे वन में आप लोग का स्वागत है नॉर्थ ईस्ट राइड टू बिहार जम्मू। और अब हम लोग यहाँ से नेक्स्ट स्टॉपेज उम्मीद है हम लोग का रहेगा अलीपुर गौरी कुछ ऐसा करके जगह का नाम है, वहाँ नेक्स्ट स्टॉप रहेगा हम लोग का। तो आप लोग इसी तरीके से जो है बने रहें, और क्या है कैसा है, किस तरीके का बजट लगता है, कहाँ कहाँ स्टे करना पड़ता है, रास्ता कैसा है, और कितना किलोमीटर का है, ये सब जो आपके मन में अगर शंका रहेगा तो वीडियो देखने से दूर हो जाएगा। तो कंटिन्यू वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर कीजिएगा, ताकि अगला आदमी जो भी राइड करने वाला है अरुणाचल प्रदेश के लिए, उसको वीडियो देख के आसानी हो। हमारे आगे मेरे सलमान भाई, मेरे कैप्टन, वो आगे है मेरे। सलमान भाई के अनुसार ही हम लोग कहीं पर रुकेंगे, जहाँ पर वो रुकने बोलेंगे, क्योंकि आइडिया इनको ही है, सारा प्लान इनका ही किया हुआ है, कहाँ कैसे रुकना है, कैसे जाना है, उनको ही सारा कुछ मालूम है, हम लोग बस उनको फॉलो कर रहे हैं। तो तीन आदमी, तीन बाइक अभी फिलहाल है, और 2 बाइक और आने वाला है इवनिंग में सिलीगुड़ी से ही, महफूज भाई और ऋतिक भाई, 2 आदमी ऑलरेडी वहाँ से निकलेंगे वो शाम में इवनिंग में, तो हम लोग से वहाँ मिलेंगे। ये राइड जो है ना गाइस, ये राइड काफ़ी लंबा होने वाला है, काफ़ी लंबा, मेरे ज़िंदगी का सबसे लंबा राइड है ये, अब तक इससे लंबा राइड मैं किया नहीं हूँ कभी भी, और लंबा भी राइड है और ख़तरनाक भी रास्ता है। उसी रास्ते का सामना करते हुए अपनी ज़िंदगी और जान को जान में हथेली पे रखते हुए हम लोग जो है वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास तो एडवेंचर बाइक नहीं है, एडवेंचर बाइक सलमान भाई के पास है, पीछे ऋतिक भाई के पास है, निर्भय भाई के पास है, महफूज भाई के पास है, मेरा गाड़ी जो है उतना एडवेंचर नहीं है जिस रास्ते पर हम लोग जा रहे हैं उसके लिए, लेकिन फिर भी मेरा हौसला है, मेरा जज्बा है, तो हम वहाँ तक पहुँचेंगे चाहे जो हो जाए, हमने ठान लिया है। हिस्ट्री क्रिएट करना है कि मेरे डिस्ट्रिक्ट का, मेरे एरिया का लड़का जो है अरुणाचल प्रदेश तवांग, बुमला पास और दिरंग, ये सब जगह
विजिट करके आ चुका है, मुझे सीट क्रिएट करना है, वो भी ऐसे बाइक से 150 cc, जिससे लोग 100 किलोमीटर जाना पसंद नहीं करते, और मैं 3000-4000 किलोमीटर जा रहा हूँ इसके से। तो आप लोग के सपोर्ट की बहुत 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 ज़रूरत है। आप लोग का एक एक सब्सक्राइबर और एक एक लाइक हम लोगों को मोटिवेट करता है, और हर प्रति किलोमीटर पे बढ़ने का एक साहस देता है, एक उम्मीद देता है। तो आप लोग इसी तरीके से बने रहेंगे, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो गाइस सपोर्ट कीजिए, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो कि हम लोग बता नहीं सकते ओपनली। जैसे कि हम अभी बिगनर है, और निर्भय भाई भी बिगनर है, सलमान भाई भी बिगनर ही है, तो सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इतना ही बोलूँगा कि आप लोग दबा के शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो अपने दोस्तों में, अपने फैमिलीज में लोगों को भेजिए, और जो राइड के लिए जाना चाहते हैं अरुणाचल प्रदेश, तवांग वगैरह, उनको शेयर कीजिए, ताकि उनको मेरे वीडियो से हेल्प मिल सके। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग पहुंच गए हैं अलीपुर द्वार, और ये है अलीपुर द्वार का छोटा सा मार्केट। और हम लोग यहाँ पे रुके इसलिए है कि हम लोग रूम स्टे ढूंढ रहे हैं। अगर रूम स्टे मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर लास्ट में तो होटल तो लेना ही पड़ेगा। और रूम स्टे का क्या है कंडीशन, क्या रहता है रूम स्टे में, वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा टाइम में, पहले मिल तो जाए। गाइज हम लोग अभी होम स्टे ढूंढ रहे थे, बट होम स्टे का कुछ इधर कंफर्म नहीं है मिलेगा कि नहीं। लोकेशन पे बता रहा है किधर है, लेकिन किधर है कोई इतना पता नहीं है। इधर पूरा जंगल ही जंगल है। तो ये भाई अभी इधर से जा रहे थे, एक्चुअली ये भी राइडर है, तो हम लोग को देख करके इन्होंने गाड़ी अपना रोक दिया और हम लोग का हेल्प कर रहे हैं। इनका कोई दोस्त है इधर जानने में, तो वो अपने लॉज, उनका दोस्त, इनका दोस्त का शायद लॉज है, वो लॉज में हम लोग को रुकवा देंगे, और जितना ज़्यादा ज़्यादा हुआ डिस्काउंट जो है वो हम लोग को दिलवा देंगे। तो ये भाई और इनका एक दोस्त है, तो दोनों मिलके हम लोगों का हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो बोल रहे हैं कि होम स्टे का पॉसिबल नहीं है, लॉज ही लेना पड़ेगा। तो देखते हैं फिर अभी। तो इस भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से इतना हेल्प कर रहे हैं। वो अभी कहीं जा रहे थे, जस्ट अभी उन्होंने गाड़ी अपना रोक के और हम लोगों का हेल्प कर रहे हैं। गाइज हम लोग अभी पहुंच गए अलीपुर द्वार, और ये रूम हम लोग को मिला है बहुत मुश्किल से ढूंढने के बाद, क्योंकि यहाँ पे होम स्टे का जो है उतना अच्छा इंतज़ाम है नहीं। तो बेहतर है कि होटल, अभी आप लोग कभी आइए तो होटल ही ढूंढ लीजिए तो ज़्यादा फ़ायदा है। और फर्स्ट डे का हम लोग का राइड हुआ 506 किलोमीटर, और सेकेंड डे कल स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ से, और कोशिश करेंगे हम लोग कि मॉर्निंग में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम लोग निकलेंगे यहाँ से, ताकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो हम लोग कवर कर सकें। आपके वीडियो को यहीं एंड करेंगे, और कल हम नया स्टार्ट करेंगे सेकंड डे। तो जब तक आप लोग बने रहिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपना ख्याल रखिए। बी हैप्पी, बी सेफ, बी रेडी फॉर नेक्स्ट ब्लॉग से वाटर सेफ लाइफ।